वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है बकार्डी लेमन, जिसका हम करेंगे रिव्यू। बाय द वे, आप अक्सर पुकारते हैं बकार्डी लेमन बोलकर, बट क्या आपने कभी नोटिस किया है कि यहाँ पर लिखा है बकार्डी लिमोन? जी हाँ, लिमोन, LIMON। एक्चुअली लिमोन जो वर्ड है, यह है एक स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब लेमन ही होता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकिए, आगे बढ़ने से रुकिए। क्या आपके घर में बहुत अच्छा कलेक्शन है विस्कीज का? क्या हाँ, आप ड्रिंक इंथुसियास्ट है, अक्सर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अल्कोहल के साथ? क्या आप चाहते हैं कि फैंटास्टिक डिलीशियस कॉकटेल को अपने हाथों से बना के गेस्ट को पिलाना, जो गेस्ट आपके घर में आते हैं? तो फिर ना, आपको मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए। आप सोचते होंगे कि दादा का तो वीडियो मैं देख ही लेता हूँ रेसिपी का, तो मैं घर में आराम से बना लूँगा, फिर वर्कशॉप ज्वाइन करने का क्या दरकार है, है ना? तो फिर ये ध्यान से सुनिए कि फाइव स्टार होटल में शेफ का क्या ज़रूरत है। यू नो, बुआ आंटी सबको रेसिपी दे दीजिए और खड़ा कर दीजिए, वो लोग बना लेगा, है ना? ऐसा नहीं है, सीखना पड़ता है कुछ टेक्निक्स जो मैं सिखाऊंगा अपना वर्कशॉप में। तो आइए और सीखिए कॉकटेल का हुनर, वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिलेंगे बहुत जल्द। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरे पास है बकार्डी लिमोन, जिसका मैं आज करने वाला हूँ रिव्यू। पहले मैं बताऊंगा कि इसका जो बॉटल है उसके बारे में, इसका बॉटल एकदम खानदानी बॉटल है। आप बकार्डी को देखोगे तो बस यही बॉटल आपको दिखेगा। एक माइनर चेंज हुआ है यहाँ पर, जो है ये स्ट्रेट बॉटल हुआ हो गया है। यहाँ पर पहले ओवल हुआ करता था, हालांकि थोड़ा सा यू नो स्ट्रेट हो गया है, ये थोड़ा सा चेंजेस है, अदरवाइज बॉटल में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बॉटल को ओवरऑल लुक येलो दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये बकार्डी लिमोन है। लिमोन मतलब लेमन, और लेमन का जो रंग होता है वो यूजुअली येलो होता है। ये पिक्चर आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ऐसे बकार्डी एक बहुत फेमस ड्रिंक है, एक बहुत फेमस रम है, और घर घर में यू नो बकार्डी को पिए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो हाईएस्ट सेलिंग स्पिरिट भी है, बट एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा कि बहुत को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, जब वो पीने लगा तो उसको ना बहुत हर्ष लगा। बकार्डी का ना एक नेचुरल हर्शनेस है, जब भी आप रम को पीते हैं देखेंगे तो वो, अगर उसके साथ मैं कंपेयर करूँ तो बकार्डी लेमन आपको अलग सा एक लेमन का फ्रेग्रेंस देगा, और उसके कारण आपका जो ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ। इस ब्रांड को लॉन्च किया गया था वर्ल्ड वाइड 1995 में, और इंडिया में ये आया था 1998 में। हालांकि बकार्डी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, बट इस पर्टिकुलर ब्रांड को इंडिया में ही बनाया जाता है। बकार्डी का जो नेचुरल रेसिपी है उनको फॉलो करके, जो जो टेक्निक है उन सब को फॉलो करके यहाँ पर बनाया जाता है, और अभी ये कहलाता है IMFL, इंडिया मेड फॉरेन लिकर। बकार्डी लेमन का अगर ब्लेंड का बात करूँ तो ऑफकोर्स ये एक वाइट रम है, और रम किससे बनता है आप लोग को मालूम है, ये मोलासेस से बनता है, और इसके साथ इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर, जी हाँ, आर्टिफिशियल फ्लेवर को मिलाया जाता है। सिट्रस फ्लेवर जो है, नींबू का जो फ्लेवर है, वो आर्टिफिशियल मैं बोलूँगा एक एसेंस को मिलाया जाता है। साथ साथ इसमें आपको और भी कुछ सिट्रसी नोट्स मिलने वाला है, जैसे कि ग्रेप फ्रूट का नोट्स आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसमें उन सब एसेंस को भी डाला जाता है। और इंटरेस्टिंगली ये जो बकार्डी लेमन है इसको एज भी किया जाता है। जी हाँ, इसको कोई बैरल में एज नहीं किया जाता है, इसको स्टेनलेस स्टील का टैंक होता है, बड़ा बड़ा सा टैंक, उनमें एक साल के लिए रखा जाता है, जैसे कि इसका जो फ्लेवर है, फ्रेग्रेंस है, वो प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो और आपको एक अल्टीमेट टेस्ट भी मिले। अगर कंपेयर करूँ बकार्डी से, तो बकार्डी को इंस्टेंट बनाया जाता है और इंस्टेंट बॉटल करके सेल किया जाता है, बट बकार्डी लेमन थोड़ा सा एज्ड होता है। प्राइस का अगर बात करें तो मेरे पास जो बॉटल है वो छोटा सा नन्हा सा बॉटल है, 375 ml का, और इसका प्राइस जो है ये लिखा है 655। 375 के लिए 655 देने पड़ेंगे आपको, क्वाइट एक्सपेंसिव है, बट इट्स ऑल गुड, क्योंकि ये आपको एक डिफरेंस एक्सपीरियंस देगा। अगर कंपेयर करेंगे बकार्डी के साथ तो एग्जैक्ट सेम प्राइस है, तो फिर जो रेगुलर बकार्डी है उसको क्यों पिए, क्यों ना इसको पिए, है ना? तो बस आइए अभी टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके आपके साथ शेयर करते हैं कि इसका नोट कैसा है, पैलेट में कैसा लगता है। तो
चलिए डालते हैं। क्लियर एंड क्लीन, ऑफ कोर्स पानी से भी ज्यादा स्वच्छ है। और जैसे मैंने पोर किया इस पर्टिकुलर ब्रांड को, तो मेरा जो स्टूडियो है ना, वो मतलब लेमन से भर गया है। मतलब क्या बताएं, इतना स्ट्रॉन्ग एसेंस है लेमन का। ज्यादा क्लोज मैं नहीं ले जा पा रहा हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बकाडी है और बकाडी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग भपका है, आपको तो मालूम है। बट एज कंपेयर टू रेगुलर बकाडी मैं बोलूंगा कि इसमें वो जो भपका है बट कम है, क्योंकि कुछ हद तक इसका जो लेमन है वो इसको दबा के रख रहा है। रॉ स्प्रिट का मुझे स्मेल मिल रहा है, जैसे कि ऑफकोर्स मोलासेस यंग स्प्रिट जो है उसका। फिर मैं बोलूंगा कि इसमें मुझे हाँ यस थोड़ा सा ग्रेपफ्रूट का नोट भी मिल रहा है, और ऑफकोर्स लेमन, भरपूर लेमन, चारों तरफ सिट्रसी नोट्स। अब थोड़ा सा पैलेट में लेके आपसे बात करते हैं। ओवरपावरिंग है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत गले में लगता है, आप फील कर सकते हो इसका स्ट्रॉन्गनेस। ऑफकोर्स सिट्रसी है, इतना सिट्रसी है कि आपका माउथ को जो है ना वाटरी बना देता है, जैसे कि मैं भी फील कर पा रहा हूँ। बहुत ही क्लीन लग रहा है, बहुत ही शार्प टेस्ट है, क्लीन टेस्ट है, और बहुत आराम से नीचे की तरफ गया, हालांकि जलाते हुए गया। और फिनिश का बात करूँ तो ऑफकोर्स ये मतलब स्ट्रॉन्ग एक फिनिश देता है, उतना बहुत क्विक फिनिश है, आपका जो जलने का जो यू नो टाइमिंग है बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है जैसे आप कंप्लीट करते हो। हमेशा बकाडी लेमन को टेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें कोक मिलाओ या कोई अदर इंग्रेडिएंट्स को मिलाओ और मिला के पियो। आप सिंपल पानी से भी और थोड़ा सा आइस से भी बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो। आपको बिल्कुल ही नीट पीना नहीं है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एक ड्रिंक है कि आपको बिल्कुल वो मज़ा नहीं देगा, आनंद नहीं देगा। सबसे बेस्ट तरीका है इसके साथ कोई भी कॉकटेल आप बनाओ, बहुत मस्त कॉकटेल बनता है। मैं बहुत सारा कॉकटेल अपना करियर में बनाया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप इवन मोहितो भी बना सकते हो इस बकाडी लिमोन से। हाँ एग्जैक्टली। और तो और मैं बोलूँगा कि ये जो ड्रिंक है ये कोक के साथ अगर आपको रेगुलर पीना है तो मैं आपको ना करूँगा, क्योंकि ये सब ड्रिंक अगर रोज आप कोक के साथ पीते हो तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको कभी कभार पीना है, सप्ताह में एक या दो दिन पीना है तो आप कोक से पी सकते हो। अगर आपको मॉडरेट ड्रिंकिंग करना है इन सब ड्रिंक के साथ तो आपको सिर्फ 30 या 60 ml लेना है और सिंपल पानी से पीना है, सिर्फ दिन में एक ही बार 60 ml, बड़ी मुश्किल से 90 ml, उससे ज़्यादा नहीं। इसको कहते हैं मॉडरेट ड्रिंकिंग, और वो भी पानी से। अगर कोक से पीना याद रखिएगा, सिर्फ सप्ताह में एक दिन। फाइनली मैं एक ही बात बताऊंगा कि बकाडी अगर आपको ज़्यादा हर्ष लगता है तो फिर बकाडी लेमन एक गुड ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है, सच में, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।